तो इस चैप्टर से अगर आपको क्या बोलते हैं इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ है तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, कोई सा भी मेथड से क्या कर सकते हैं, आंसर को ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्लम कहां पर होता है, स्टूडेंट फंसते कहां पर है, जहां पे बात आता है अपने पास में इक्वेशन बनाने का, खासकर जब वर्ड प्रॉब्लम की बात आती है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं जहां पे लोग बहुत फंसते हैं। एक आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास में अगर इस टाइप का क्वेश्चन कभी फ्यूचर में आता है तो किस तरीके से हम लोग उस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। तो ये बात कर रहे कि एक जो फ्रैक्शन है जिसके बारे में हम लोग अब तक जानते नहीं है, ये 9/11 बन जाता है अगर यहां पर डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों पर हम लोग क्या करते हैं, 2 का एडिशन करते हैं। ठीक है, अभी तक हमको फ्रैक्शन के बारे में बोला नहीं गया है, दैट मीन्स हमारे पास में फ्रैक्शन हमको गिवन नहीं है। ठीक है, ये कहानी हमारे पास अभी यहां पे खत्म नहीं होता। अभी क्या बोल रहा है कि अगर सेम फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पर 3 का एडिशन करते हैं, तो वो जो रेशियो अब चेंज होकर क्या बन जाता है, 5/6 हो जाता है। एंड जैसा कि हमको लग ही रहा था शुरुआत से कि हमको फ्रैक्शन क्या करना पड़ेगा, यहां पर निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास में यहां पर ध्यान देने लायक बात यह होती कि हमारे पास 2 कंडीशन दिया गया है। पहले कंडीशन में हमको ऐड करने बोल रहा है 2, दूसरे कंडीशन में हमको बोल रहा है ऐड करने 3। एंड 3 ऐड करने पर 5/6 हो जाता है एंड 2 ऐड करने पर 9/11 हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो चीज हमको पूछा गया है उसको अज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहां पे ले लेते हैं, लेट द फ्रैक्शन इज एक्स अपॉन वाई। तो हम लोग फ्रैक्शन को ही यहां पे क्या कर लेते हैं, एक्स अपॉन वाई ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, हम लोग फर्स्ट कंडीशन लेके चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास में यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को यहां पर ऐड करना है। तो मैं यहां पे लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टू द क्वेश्चन हमको ये बोला गया है कि अगर x पर 2 ऐड करें एंड y पर भी हम लोग क्या करें, 2 ऐड करें, तो हमारे पास में एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, 9/11 के इक्वल हो जाता है। ये हमारे पास कुछ तो आया है, बट हमको जैसा लीनियर इक्वेशन देखने का आदत है वैसा नहीं है। हम क्या करते हैं, वैसा लाने की कोशिश करते हैं। हम लोग यहां पे क्या करते हैं, यहां पे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं यहां पे क्या करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूं। 11x+2 हो जाएगा अपने पास इक्वल टू 9 × y+2 हो जाएगा। आगे यहां पर सॉल्व करते, 11x+22 इक्वल टू 9y+18। 11x+22 सबको हम लोग क्या करते हैं, यहां पे ट्रांसपोज कर लेते हैं, -9y-18 इक्वल टू हो जाएगा 0। 11x-9y यहां पे सॉल्व करते, 22-18 कितना हो जाएगा, +4 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ये तो हो गया हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1। बट हमारे पास में कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हमारे पास में ऐसा एक और कंडीशन है जहां पर हमको ऐड करने बोल रहा है 3। तो हम लोग क्या करते हैं, एक और बार फिर से क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करते हैं, बट यहां पर ही सेकंड कंडीशन के लिए हम लोग यहां पर लेके चल रहे हैं। यहां पर फिर से लिखते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब हमारे पास यहां पे बोला था कि x+3 करना है एंड y+3 करना है एंड हमारे पास जो रेशियो आ जाएगा वो होगा 5/6। अगेन हम लोग यहां पे फिर से क्या करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में यहां पर करते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 6 × x+3, 6x+3 के पास चले गए एंड 5 × y+3। मल्टीप्लाई करते हैं, 6x+6 3 सा क्या हो जाएगा 18, 5y+5 3 सा 15। जिस तरीके से सारे वैल्यूज को हमने क्या कर दिए थे, लेफ्ट हैंड साइड में ले आए थे पिछले बार, सेम हम लोग यहां पर वैसा ही करने वाले हैं। 6x+18 − 5y − 15 इक्वल टू, यहां बच क्या रहा है, कुछ नहीं बच रहा, 0। तो इक्वेशन बचेगा 6x − 5y और हमारे पास में 18 − 5 कितना होने वाला है, अपने पास में यहां पर 3 बचने वाला है +3। एंड ये हो जाएगा अपने पास में इक्वेशन नंबर 2।
बस यही हमारे पास में सबसे बड़ा इश्यू था कि हम लोग यहाँ पे इक्वेशन लेके कैसे आए। एंड फाइनली जब हमारे पास में इक्वेशन आ चुका है तो हमको यहाँ पर करना क्या है, हमारे पास में तीन अलग अलग मेथड हैं, एलिमिनेशन है, या फिर आपके पास में क्या हो रहता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, या फिर आपके पास में क्या हो रहता है सब्स्टिट्यूशन मेथड रहता है। तीनों में से कोई सा भी मेथड लगा के हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको आगे फर्दर सॉल्व कर सकते। सो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि अब यहां पे मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं यहां पे एलिमिनेशन से कर रहा हूं, आप यहां पर चाहे तो सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, या फिर चाहो तो क्या कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी कर सकते हो। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया है पहले वाले इक्वेशन में, क्योंकि जैसे कि मैं पहले बोला कि हमारे पास में एलिमिनेशन में करना क्या पड़ता है, कोई भी एक वेरिएबल को हमको एलिमिनेट करना पड़ता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक्स को टारगेट किया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर एक्स के जो कोफिशियंट है दोनों साइड पर क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको इक्वल रखना चाहता हूँ। सो इक्वेशन वन में क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसको 66 बनाना पड़ेगा। इक्वेशन टू के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई करके इसको भी 66 बना दूंगा। सबको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, इक्वेशन नंबर वन को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है पूरे को, एंड इक्वेशन नंबर टू को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आगे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सबका साइन हमारे पास चेंज हो जाएगा, ये दोनों हमारे पास कट जाएंगे, हमारे पास 54 माइनस 55 बचेगा, सॉरी माइनस 54 प्लस 55 हो जाएगा। तो सॉल्व करने पर हमारे पास सिर्फ y बचता है, यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते तो हो जाएगा माइनस 9 इक्वल टू 0, विच मीन्स y इक्वल टू जा रहा है अपने पास में 9। अब मैं क्या करता हूं कि जैसे हमारे पास स्टेप थ्री होता था, सारे जो अपने पास में जो मेथड्स, उसमें स्टेप थ्री में क्या करना पड़ता था, हमको जो वेरिएबल की वैल्यू आई है उसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते थे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। इक्वेशन नंबर वन थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ इक्वेशन नंबर टू में वैल्यू को पुट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन टू, तो होने क्या वाला अपने पास में 6x माइनस 5 इंटू 9 प्लस 3 इक्वल टू 0। 5 नंजा कितना हो जाता है अपने पास में 45 प्लस 3, ओके 45 माइनस में है 3 प्लस में है, 45 माइनस 3 कितना होता अपने पास में, ये रहता अपने पास 43 एंड क्यों सॉरी 42, एंड क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी 45 क्या है माइनस में था, एंड ये हमारे पास बड़ा नंबर था तो हमारे पास ये माइनस में रहने वाला है। ट्रांसपोज करते हैं तो हमारे पास बचता है 42, वहां पर एक्स इक्वल टू होता है 42 बाय 6, विच मीन्स हो गया अपने पास में 7। तो फाइनली हमारे पास में जो फ्रैक्शन आने वाला है, जो आंसर हमारे पास यहाँ पर आएगा, आप लिख सकते हैं हमारे पास में फ्रैक्शन एक्स पे वाई इज हो जाएगा अपने पास इक्वल टू, एक्स की वैल्यू जा रही है अपने पास 7, वाई की वैल्यू हमारे पास हो गई है 9। सो ये हो गया अपने पास में फाइनल इसका आंसर। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मीना वेंट टू बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज, 2000 ही रुपए क्यों निकाल रही है, हो सकता है डिमोनेटाइजेशन था, नोटबंदी थी, तो उसने क्या बोला कि 2000 रुपए दे दो, उससे ज्यादा तो मिल नहीं रहा था उसको। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट ओनली। 50 और 100 क्यों बोली, अगेन डिमोनेटाइजेशन है, 500 का नोट बंद हो चुका है, तो हमारे पास क्या हो जा रहा है, सिर्फ 50 और 100 के नोट है जो हमारे काम करने वाले हैं, 2000 का नोट अभी तक आया नहीं था। अब हुआ क्या कि मीना को क्या मिले, टोटल 25 नोट मिले, ठीक है, 50 एंड 100 के नोट उसको दिए गए थे, टोटल जो नोट का अमाउंट था वो था 25, ठीक है ना, मतलब जो टोटल जो नोटों का नंबर था उसके पास था वो 25। हमको ये बताना है कि एक्चुअल में उसके पास में 50 रुपीज के कितने नोट थे एंड 100 रुपीज के कितने नोट थे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अगेन जैसे पिछले बार था, हम लोग क्या किए थे, क्वेश्चन से ही शुरुआत किए थे, निकालने क्या बोला था, फ्रैक्शन निकालने बोला था, तो हमने बोला चलो हम लोग फ्रैक्शन को निकाल लेते हैं, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि फ्रैक्शन इज एक्स अपॉन वाई, यहां पर भी हम लोग क्या करते हैं ऐसी कोई अजम्पशन करते हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया है हम लोग वहीं से शुरुआत करते हैं। ये लेते हैं हम लोग लेट नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट इज एक्स, 50 रुपए के नोट कितने हैं हमारे पास में एक्स हो जा रहे हैं, एंड नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट इज वाई, ठीक है। अब हम लोग यहां पे क्या करते हैं, हमको क्वेश्चन में कुछ हिंट दिए गए हैं, मीना के पास में टोटल जो नोट थे वो थे 25, मैं यहां पे लिखता हूं अकॉर्डिंग टू
टू द क्वेश्चन. हमको यहां पे क्या बोला गया था कि हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ नोट कितने थे, 25 थे. मतलब कि मेरे पास है 50 के नोट एंड 100 के नोट, दोनों को आपस में ऐड कर दो तो टोटल नंबर कितने आने वाले हैं अपने पास में, 25 आने वाले हैं. ये हो गया हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1. अब हमको इसको सॉल्व वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पिछले बार हमारे पास में ये उस फॉर्मेट में नहीं था, फॉर्मेट में नहीं था कि हम लोग उसको यू नो फर्दर कुछ सॉल्व कर सके. हमारे पास अपॉन वगैरह में कुछ था, यहां तक हमको लेके आना पड़ता. इस बार हमको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है. अब क्या आपके पास में एक और कंडीशन है कि हमारे पास जो सबके नोट की जो वैल्यू है वो मिलाकर कितनी होनी चाहिए, 2000 होनी चाहिए. तो हमारे पास में ये दो इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पर दिए गए थे. सो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे वाले इंफॉर्मेशन को भी यहाँ पे यूज कर रहे हैं. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास क्या था, 50 के नोट थे कितने, एक्स. 100 के नोट थे हमारे पास में, Y. तो इसकी वैल्यू जो हो जा रही थी हमारे पास में वो जा रही थी अपने पास में 2000. ठीक है, ये सिर्फ बता रहा है हमारे पास, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है अपने पास नोट के नंबर के बारे में कि हमारे पास टोटल नोट कितने थे. ये बता रहा है इंफॉर्मेशन हमारे पास में नोट की वैल्यूज के बारे में कि एक्चुअल में उसके पास अमाउंट कितना आ गया. तो अमाउंट आ गया 2000 बिकॉज एक्स के 50 थे एंड वाई सॉरी 50 के एक्स से नोट एंड 100 के वाई नोट थे उसके पास में. आ गया हमारे पास में दो इक्वेशन. ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगेन या तो सब्स्टिट्यूशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन से. जैसा कि मैंने पहले बोला था, मैं कोशिश करता हूं कि हमेशा एलिमिनेशन में रहने की कोशिश करता हूं कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो. मैं क्या करना चाहता हूं, इसको एलिमिनेशन से फिर से सॉल्व करता हूं. तो मैं यहां पे क्या करना चाहूंगा, यहां पर भी मैं 50 लाना चाहूंगा. अगेन एलिमिनेशन में एक वेरिएबल को हमको कंप्लीटली क्या करना है, खत्म कर देना है. मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पे लिखता हूं बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 50 बिकॉज यहां पे 50 की बस कमी है एंड सबट्रैक्टिंग बाय इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 2 से क्या कर देते हैं, इसको सबट्रैक्ट कर देते हैं. तो हमारे पास ये हो जाएगा 50x बट सिर्फ x के साथ में 50 मल्टीप्लाई नहीं होगा, y के साथ में भी हो जाएगा. 50y इक्वल्स टू 25 इनटू 50 हो जाएगा अपने पास में, मतलब ये हो जाएगा अपने पास 1250. ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या करना है, ये नीचे वाला जो टर्म है अपने को इसको भी लिखना है. 50x प्लस 100y इक्वल्स हो जाएगा अपने पास में 2000, क्योंकि हमको यहाँ पे माइनस करना है. तो क्या हो जाएगा अपने पास, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस सब माइनस हो जा रहा है नीचे में, ये डायरेक्टली कट जा रहे हैं. हमारे पास 50 माइनस 100 है, मतलब बचने वाला अपने पास है माइनस 100 सॉरी माइनस 50 बिकॉज 100 में से 50 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 50 बचेगा. एंड हमारे पास में यहाँ पे 2000 था, 2000 में से 1250 हमको माइनस करना है. तो अपने पास ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा अपने पास 5 एंड अपने पास में यहाँ पर 2 था, ओके ये था अपने पास में 9 हो जाएगा, 9 में से 2 के अपने पास कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा. That's it. तो अपने पास आ रहा है 750. तो y की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं और एंड ये भी अपने पास में माइनस में आएगा. तो 50y इक्वल टू जा रहा है, माइनस में यहाँ पे काट देता हूँ, 750 हो जाएगा. y इक्वल टू जा रहा है 750 अपॉन 50. 5 वन जा 5, 5 टू जा. y इक्वल टू जा रहा है अपने पास में 12. मतलब कि हमारे पास में 100 के कितने नोट थे इसके पास, 12 नोट्स थे. तो क्या करते हैं, 12 ये जो वैल्यू आई है हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमने थर्ड स्टेप में हमेशा लेके चलते थे, किसी भी क्वेश्चन में वैल्यू को पुट कर लेते थे. तो मैं क्या करता हूं, बाय पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1. सो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू को पुट कर दे रहा हूं. सॉरी ये 15 हो जाएगा, 25 होता अपने पास, 15 तो अपने पास भी रहेगा. ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, x प्लस 15 लिखते हैं एंड ये रहा अपने पास में 25. तो x इक्वल टू जा रहा है 25 माइनस 15 विच मींस x इक्वल टू जा रहा अपने पास में 10. तो फाइनली हमारे पास में आंसर क्या आने वाला है, नंबर ऑफ रुपी 50
नोट इज टेन एंड नंबर ऑफ रुपी 100 नोट इज 15। तो हमने यहाँ पे देखा कि कितने आसानी से बस हमको क्या करना है, इक्वेशन कैसे भी करके फाइंड आउट करना है। उसके बाद में तो फिर क्या हो जाएगा, हम लोग एलिमिनेशन से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से या फिर सब्स्टिट्यूशन से, किसी भी मेथड से आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। दो चीजें हमको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी, पहले तो हमको पूछ क्या रहा है, क्योंकि जो चीज पूछ रहा है हम लोग क्या करते हैं उसी को एक्स एंड वाई अज्यूम कर लेते हैं। सबसे पहले हमको उस चीज को टारगेट करना पड़ेगा। दूसरा चीज क्या रहेगा हमारे पास में, पूरा ध्यान हमको रखना पड़ेगा इक्वेशन के ऊपर में कि हम लोग इक्वेशन क्या बना रहे हैं, एंड फाइनली हम लोग क्या करेंगे उसको फिर सॉल्व कर देंगे, एंड इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को, जो भी वर्ड प्रॉब्लम, हम लोग टैकल कर सकते हैं आसानी। सो फाइनली हम लोग इस चैप्टर से एक लास्ट स्टेप के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग देख चुके हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स में बेसिकली ये रहता है कि हमको इक्वेशन लेके आने होते हैं, एंड उसके बाद में हमारे पास में बहुत सिंपल तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, सॉरी हमारे पास में जो लीनियर इक्वेशन है उसको तीन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास में कुछ ऑकवर्ड टाइप की क्या बोलते हैं इक्वेशन है, जैसे कि हमारे पास में यहाँ पे 1/x दिया हुआ है, हमारे पास यहाँ पे एक्स एंड वाई नहीं दिया इक्वेशन बल्कि 1/x दिया है, एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में 1/√x दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में हम लोग किस तरीके से इन्हीं इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं इस इक्वेशन से। हमारे पास है 1/2x + 1/3y यहाँ पर दिया, दोनों जगह पर वैसी स्टेप से, वहां यहाँ पर 1/3x, यहाँ पर 1/2y दिया हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारे पास में एक लीनियर फॉर्म में यहाँ पर ये इक्वेशन लिख सके। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 1/x को हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यू अज्यूम कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे शुरुआत करते हैं इसका, लेट 1/x इज इक्वल टू यू एंड 1/y इज इक्वल टू वी। अब क्या करते हैं, हम लोग इसको रिप्लेस कर देते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 1/2u + 1/3y = 2। थोड़ा और सिंप्लीफाइड करके लिखते हैं इसको, तो एलसीएम ले लेते हैं इसके लिए, एलसीएम हो जाएगा अपने पास में 6, एंड यहां पर हो जाएगा ये 3u, एंड यहां पर हो जाएगा ये 2y = 2। 2 को ट्रांसपोज कर लेते हैं, सो इन द एंड हमको इक्वेशन मिलता है 3u + 2y = 6 × 2, विच मीन्स 3u + 2y = 12। सो ये हो गया हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही क्या करते हैं हम लोग दूसरे वाले इक्वेशन के लिए भी करते हैं। तो हमारे पास में यहां पर ये हो जाएगा 1/3u + 1/2y = 13/6। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फिर से एलसीएम 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में 2u, एंड यहां पर हो जाएगा, सॉरी ये v है, ये हो जाएगा 3v = 13/6। 6 दोनों साइड्स के कट जाएंगे तो बचेगा अपने पास में 2u + 3v = 13, एंड ये हो जाता है अपने पास में इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम लोग तीनों में से कोई सा भी मेथड लगा के क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। एंड जैसा कि मैंने अगेन बोला था कि जो मेथड आपको अच्छा लगता है यहां पर उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है कि कौन से मेथड से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, सो मेरा फेवरेट यहाँ पर क्या रहता है, एलिमिनेशन मेथड। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, उसको फिर से एलिमिनेशन मेथड से क्या करने वाला, सॉल्व करने वाला हूँ। अगेन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि हम लोग एक वेरिएबल को टारगेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर यू को टारगेट करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि यहां पर यू एलिमिनेट हो जाए, बस हमारे पास वी रहे, उसकी वैल्यू निकाल सके। तो उसके लिए यू का हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशंस में उसका कोफिशिएंट को हम लोग को सेम रखना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए, हमारे पास यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे हमारे पास 2 दिया है, दोनों का एलसीएम क्या होता है अपने पास में 6 होता है। मैं क्या करता हूँ, इस वाले इक्वेशन में पूरे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस वाले इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं बाय मल्टीप्लाइंग 2 in equation 1 एंड 3 इन इक्वेशन 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग दम। तो हमारे पास यहां पर हो जाएगा ये 3 × 2 = 6u, 2 × 2 = 4, यहां पे ये फिर से v है, ओके तो 4v हो जाएगा अपने पास में, एंड यहां पर हो जाएगा 12 फोर्स अपने पास हो जाएगा 48।
फाइनली हम यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे 2 दिया है, तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो 3u, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 6u, 3 3 9v, एंड 13 से 3 3 9, 3 1 3 39, ठीक है। एंड यहाँ पे हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सो यहाँ पे जितना भी है नीचे वाले जो टर्म्स रहेंगे अपने का, सारे के सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। 6u कट गया हमारे पास में, 9 माइनस 4 बचेगा अपने पास में, -5 हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास 9 का साइन क्या है, अपने पास माइनस है जो कि बड़ा नंबर है। 48 एंड 39, इसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ को माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे पास यहां पर हो जाएगा 9 हो जाएगा फिर, सॉरी यहां पर ये अपने पास में 24 होगा। ओके सो अपने पास यहां पर 12, बिकॉज हमारे पास में पहले वाले इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो हमारे पास 48 नहीं होगा बल्कि 12 होगा। सो अगेन हमारे पास आंसर यहाँ पे माइनस में आना चाहिए, बिकॉज 39 क्या है अपने पास में, बड़ा नंबर है, 24 हमारे पास छोटा नंबर है, तो 39 में से अगर 24 को माइनस करते हैं हमारे पास में, तो यहाँ पर आता है अपने पास 5 एंड ये हो जाता है अपने पास 1, दैट मीन्स 15। सो वी की वैल्यू हो जाएगी अपने पास में 15/5, विच मीन्स हो जाएगा अपने पास में ये 3। एंड वैसे हमको क्या करना है, यू भी निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ इस वैल्यू को, वी की इस वैल्यू को पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। यहां पे लिखता हूं बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ वी इन इक्वेशन 1। सो हमारे पास यहां पे क्या होने वाला है, 3u प्लस 2 इंटू 3 हो जाएगा इक्वल टू 12, 3u 3 2 6 12, 3u इक्वल टू 12 माइनस 6 हो जाएगा अपने पास, 6 को मैंने वहां पे ट्रांसपोज कर दिया है, एंड 12 माइनस 6 क्या होता है अपने पास में, यहां पर अपने पास में हो जाता है 6, ठीक है, तो u को हो जाएगा अपने पास में 6/3, विच मीन्स ये हो जाएगा अपने पास 2। तो हमारे पास में अभी तक आंसर नहीं आया है। फाइनली हमारे पास में आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है, v को हमको पता था कि v इक्वल टू क्या है, 1/y है, सो हम लिखते हैं v इक्वल टू 1/y इक्वल टू 3, विच मीन्स y इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में 1/3। एंड सिमिलरली हमारे पास क्या हो जाएगा, u इक्वल टू रहेगा 1/x इक्वल टू 2, विच मीन्स हो जाएगा x इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास में ये दो इसके आंसर हो जा रहे हैं। सो कुछ इसी तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद का क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे, हमारे पास है 1/√x को हम क्या कर लेंगे, यू अज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पर भी शुरुआत हम लोग यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं लेट 1/√x इक्वल टू जाएगा अपने पास में u, एंड 1/√y इक्वल टू जाएगा अपने पास में v। जब हम लोग यहाँ पे आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो जाएगा 2u प्लस 3v इक्वल टू 2, ठीक है। तो हमको यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ रही है, इसको हम ले लेते यहीं पर इक्वेशन नंबर 1। दूसरे वाले इक्वेशन में जाते हैं, एंड यहां पर क्या रहेगा अपने पास है, 4u माइनस 9v इक्वल टू -1, इसको लेके चलते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। एंड अगेन मैं यहां पे चाहता हूं कि मैं एलिमिनेशन मेथड से क्या करना चाहता हूं, यहां पे इसको सॉल्व करना चाहता हूं, मैं अगेन फिर से मैं u को टारगेट करने वाला हूं, मैं u को एलिमिनेट करना चाहता हूं, जिसके लिए मुझको इसके कोफिशिएंट्स को क्या करना पड़ेंगे, हमको यहां पर क्या बोलते हैं इक्वल करने पड़ेंगे। तो यहां पर मैं देख सकता हूं कि यहां पर 2 और 4 दिया हुआ है, 2 और 4 कैल्सियम क्या होता है अपने पास में, 4 होता है, तो सिर्फ मेरे को इक्वेशन नंबर 1 में क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सॉरी 2 इन इक्वेशन 1 एंड सब्ट्रैक्टिंग बाय इक्वेशन 2। सो यहां पर हो जाएगा 2 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4u प्लस 3 2 हो जाएगा अपने पास में 6v इक्वल टू 4। नीचे वाला इक्वेशन वैसा का वैसा ही रहने वाला है, बिकॉज हमने यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, साइन सबका चेंज करने वाले हैं। तो हमारे पास में 4u पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, 9v नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, -1 नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, हमारे पास में 4u एंड 4u क्या हो जाएगा, कट जाएगा,
सिक्स एंड नाइन दोनों हमारे पास में आपस में ऐड होंगे, क्योंकि जैसे कि हमने पहले भी देखा है और किया है कि हमारे पास में बात का जो साइन रहता है, जैसे हम लोग सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो जो चेंज साइन होता है उसको हम लोग अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो 6 प्लस 9 यहाँ पर हो जाएगा अपने पास में 15V, बिकॉज दोनों के सब दोनों पॉजिटिव है तो साइन में कोई चेंज नहीं रहने वाला है। एंड 4 प्लस 1 हो जाएगा अपने पास में 5, तो V इक्वल टू हो जाएगा 5/15, विच मीन्स V इक्वल टू हो गया अपने पास है 1/3। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास में जो V की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। सो लिखता हूँ यहाँ पे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास हो जाएगा ये 2u + 3 × 1/3 इक्वल्स अपने पास हो जा रहा है 2। 3 कट जाएगा, 2u + 1 इक्वल्स हो जाएगा अपने पास 2, या फिर 2u इक्वल्स लिख सकते हैं 2 - 1, 2u इक्वल्स हो जाएगा 1 एंड हमारे पास u इक्वल्स हो जाएगा 1/2। तो फाइनली हमारे पास में v की वैल्यू 1/3 है एंड u की वैल्यू 1/2 है, बट हमारा काम अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, बिकॉज हमको यहाँ पे निकालना था x एंड y का वैल्यू। हमने यहाँ पे क्या अज्यूम लिया था, हमारा अजम्पशन ये था u की वैल्यू होगी अपने पास है 1/√x के बराबर। तो हम आगे इसको लेके चलते हैं, u इक्वल्स टू हमारे पास था 1/√x एंड इसकी वैल्यू हमारे पास है 1/2। इसका रेसिप्रोकल करते हो तो √x इक्वल्स टू हो जाएगा अपने पास में 2, या फिर अगर मैं दोनों साइड्स का स्क्वायर करूंगा तो x इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में 4। तो x इक्वल टू 4 हमारे पास में ये फाइनल आंसर आ गया। बट एक और आंसर हमारे पास बचा है यहाँ पर, v इक्वल टू हमको यहाँ पे लिखना है 1/√y इक्वल टू जाएगा अपने पास में 1/3। तो √y इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3, या फिर y इक्वल टू लिख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर 9। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग ऐसे टाइप के भी जो ऑड क्वेश्चंस इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर x माइनस 1 रहता या फिर यहाँ पर y प्लस 1 रहता तो हम लोग क्या करते हैं इसको भी 1/(x-y) को u या फिर v अज्यूम करके सॉल्व कर सकते थे। एंड अगेन अगर हमारे पास में वर्ड प्रॉब्लम होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि हमारे पास स्टार्टिंग में हम लोग क्या कर लेंगे, ये डिसाइड कर लेंगे कि कौन से अननोन वैल्यू को मैं एक्स लेके चलूं, कौन से को मैं वाई लेके चलूं। शुरुआत हमेशा हम लोग कहां से करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स में, कि हमको फाइंड आउट क्या करना है, एंड उसके बाद में हमको इक्वेशन जो रहता है वो क्वेश्चन से ही हमको देखने मिल जाता है। जहां पे मोर आएगा वहां पर ऐड करना है, जहां पर लेस आएगा वहां पर हमको माइनस करना है। ऐसे से हम लोग क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। एंड जहां पर एज वाला क्वेश्चन आता है तो हमारे पास में क्या करना है, दैट मींस वो क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको काफी कुछ जनरल आइडिया हो जाएगा। अगर इसके बाद में भी आपको किसी पर्टिकुलर चीज में डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके वो जो क्वेश्चन है उसको पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ पे डाउट हो रहा है।